अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस मसालेदार पनीर वेज पुलाव की रेसिपी झटपट और बहुत आसान तरीके से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 250 ग्राम पनीर और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर ऐड करते हैं कुछ खड़े गरम मसाले, एक दालचीनी का पीस, एक हरी इलायची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग और 4 से 5 काली मिर्चें और इसे तड़कने देंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और 7 से 8 हरी मिर्च कटी हुई और कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, 2 गाजर और 1 मीडियम साइज़ का आलू और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। तीन मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रोजन मटर 1/2 कप और पनीर फ्राई किया हुआ ये भी ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून दही ऐड करते हैं। एक नींबू का रस ऐड करेंगे और हरा धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ ये भी ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे कच्चा बासमती राइस 500 ग्राम, इसे मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा पहले भीगने के लिए रख दिया था, ये ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 750 ml गर्म पानी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही बेहतरीन हमारा खुशबूदार मसालेदार पनीर वेज पुलाव बनकर तैयार है और आलू भी अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स हमारा बहुत ही बेहतरीन लाजवाब मसालेदार पनीर वेज पुलाव बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।